अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 27 में कि आज हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पास्ट पेपर से यानी असाइनमेंट से कार्नोट इंजन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो कार्नोट इंजन के तकरीबन 10 क्वेश्चन हैं आपके असाइनमेंट में, एक मैंने उसमें से होमवर्क दे दिया था, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, कुछ आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक के साथ यानी नया टॉपिक भी हो जाएगा और एक आध न्यूमेरिकल भी इसके जो रह जाएंगे वो कर लेंगे। पहले मैं आप लोगों को कार्नोट इंजन का पेज नंबर 19 पर असाइनमेंट के 1997 वाले क्वेश्चन है पहले ये सॉल्व करके दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसकी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं पेज नंबर 1997। इसमें थोड़ी सी उन्होंने लॉजिकल बात की, जो जैसा क्वेश्चन हमने एक बुक का किया था और फिर एक मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प चेंज उन्होंने बनाया है। जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अंदाजा लगेगा कि कार्नोट इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज 200 केल्विन, पेज नंबर 19 यहां लिख लेते, पेज नंबर 1997। कार्नोट इंजन जिसकी लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर 200 केल्विन बता रहे हैं, तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर को आप T2 से दिखाते हो, तो आपका T2 तो लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है, ये हो गया 200 केल्विन। ओके, ये आपने T2 मेंशन कर दिया, एन हैज एफिशिएंसी ऑफ 50% और T2 200 पर एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 50% आ रही है। अब इसका लो टेम्परेचर है 50% है, तो सोर्स का एक टेम्परेचर होगा जिसको हम T1 कहते हैं, ये हम निकालेंगे, तो इसलिए हमने अपने डाटा में लिख लिया कि 50% पे हम अपने सोर्स का टेम्परेचर का पता लगा लेंगे। अब कह रहे हैं इट इज डिजायर टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी टू 75%, अब हम चाह रहे हैं कि एफिशिएंसी इंजन की 50% है ना ये 75 हो जाए, 75% हो जाए, ऐसे ही पहले भी था। ये मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बुक से करा, उसमें 40% थी एफिशिएंसी, 50% चाहते थे, यहाँ 50% है, कितनी चाहते हैं 75% चाहते हैं। बाय हाउ मेनी, तो फिर चेंज किया है, बाय हाउ मेनी डिग्रीज मस्ट बी द टेम्परेचर बी डिक्रीज इफ हायर टेम्परेचर रिजर्वायर बी कॉन्स्टेंट, आपसे कह रहे हैं कि बाय हाउ मेनी डिग्रीज शुड द टेम्परेचर या मस्ट बी द टेम्परेचर बी डिक्रीज इफ हायर टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेंस कॉन्स्टेंट, हमें ये बता दें आप कि हम कितना टेम्परेचर कम करेंगे अगर हायर टेम्परेचर रिजर्वायर हमने कांस्टेंट रखा है, यानी 50% एफिशिएंसी को बढ़ाकर 75% करने के लिए हमें टेम्परेचर सिंक का कम करने की जरूरत है। सोर्स का टेम्परेचर जो भी हम निकालेंगे T1, 75% एफिशिएंसी में वो T1 हमारा कांस्टेंट रहेगा, जो भी निकालेंगे वही पुट कर देंगे, यानी हमें इसमें T1 में चेंजेस नहीं करना है। इससे पहले जो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया और एक आपने प्रैक्टिस की, उन दोनों क्वेश्चंस में हम T1 को चेंज कर रहे थे, यानी T1 को बढ़ा के एफिशिएंसी बढ़ा रहे थे। अब T1 बढ़ाना नहीं है, T2 को घटाना है, और T2 घटाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो आउटपुट बढ़ जाएगा। जैसे 100 जूल हीट दे रहे हैं, 70 जूल जो है वो वर्क डन हो रहा है, 30 जूल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब लॉस अगर मैं 30 से 10 जूल कर दूं, 100 जूली आप हीट दे रहे हो, 10 जूल आपका लॉस हो रहा है, आपका 90 जूल वर्क डन होगा, वर्क डन बढ़ जाने का मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो T2 कम करना है, यानी हमने फाइंड आउट करना है डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ सिंक, डिक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ सिंक, डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ सिंक डेल्टा टी मालूम करने के लिए T2 में से T2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इससे पहले हम मालूम करें इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ सोर्स डेल्टा डी, इसके लिए T1 से T1 को माइनस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे T2 कम आएगा, T2 में से T2 को क्या कर देंगे, कम आएगा, तो ज्यादा से कम को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो हमें डिक्रीज कितना करना है टेम्परेचर इसका पता चल जाएगा। तो हम दो दफा अपनी कैलकुलेशन करेंगे, एक दफा 50% एफिशिएंसी पे एट 50% एफिशिएंसी, जब आपका इंजन 50% एफिशिएंट है
उस वक्त आपके इंजन के सोर्स का टेम्परेचर क्या है पहले इसका पता लगाइए। एफिशिएंसी इन परसेंट, 1 - T2/T1 मल्टीप्लाइड बाय 100, एफिशिएंसी 50 मल्टीप्लाई वाला 100 नीचे लाके क्या कर देंगे डिवाइड, 1 - 200/T1 50 / 100 हो जाएगा 0.5, 1 - 200/T1 -200/T1 इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भेज दें तो +200/T1 और 0.5 इक्वेशन की राइट साइड पे -0.5, 200/T1 और 1 - 0.5 0.5 और T1 निकालने के लिए 200/0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा T1, तो यहां से आपके T1 का टेम्परेचर आ जाएगा 400 केल्विन। यानी जिस वक्त आपके इंजन की एफिशिएंसी 50% है आपके सोर्स का टेम्परेचर 400 केल्विन आ रहा है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ाया था, जबकि इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है फायर टेम्परेचर रिजर्वायर रिमेंस कांस्टेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। जब आप एट 75% एफिशिएंसी इंजन की करने के लिए काम करेंगे तो T1 आपका क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी इसको चेंज नहीं करेंगे। मेन पॉइंट है हायर टेम्परेचर रिजर्वायर T1 जो आपका हाई टेम्परेचर होता है इट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट रहेगा, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर मैं इसको कॉन्स्टेंट रखूं और एफिशिएंसी बढ़ाना चाहूं तो मुझे सिंक के टेम्परेचर को कम करना होगा, तो सिंक का टेम्परेचर कम होगा कितना हो जाएगा वो मेरी कैलकुलेशन से आ जाएगा। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा दोबारा से एफिशिएंसी इन परसेंट, 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100, एफिशिएंसी 75 मल्टीप्लाई वाला 100 नीचे आके डिवाइड, 1 - T2 को अब मैं T2' बोल दूंगा और T1 कांस्टेंट यानी जो निकाला वही रखूंगा। हालांकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में T1 हमने मालूम किया था क्योंकि हम T1 में चेंजेस कर रहे थे और T2 कांस्टेंट रख रहे थे, इसमें T1 को कांस्टेंट रखना और T2 यानी सिंक के टेम्परेचर को चेंज करना है, उसको कम करना है। तो डिवाइड कर लें 75 / 100 0.75, 1 - T2/ क्या हो जाएगा 400, माइनस का T2/400 इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर आकर के प्लस का T2/400, ये 1 - 0.75 1 - कर लें 0.25, T2/400 1 - 0.75 0.25 और मल्टीप्लाई वाला 400 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो T2-0.25 मल्टीप्लाइड बाय 400 तो T2 आपका हो जाएगा 100। 75% एफिशिएंसी के लिए सिंक का टेम्परेचर 100 होना चाहिए जबकि 50% पे सिंक का टेम्परेचर 200 है। 75 के लिए सिंक का टेम्परेचर 200 से कम यानी कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, तो कितना कम करने की जरूरत है 100 कम करने की जरूरत है, तो डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ सोर्स सॉरी सिंक टू फाइंड डिक्रीज्ड टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक का टेम्परेचर कितना डिक्रीज करना है जिसको हमने डेल्टा टी से दिखाया, उसके लिए T2 में से T2 को हम क्या कर देंगे, इससे पहले हम इंक्रीज कर रहे थे सोर्स के टेम्परेचर को, अब इन सोर्स के टेम्परेचर को हमने क्या रखा निकालने के बाद कांस्टेंट, इसको चेंज नहीं करना, अब सिंक को चेंज करना, तो T2 आपका कितना है 200, उसमें से 100 को क्या कर दें माइनस, तो सिंक के टेम्परेचर को आपने कितना कम करना है 100 कम कर देना है, यानी 200 है 100 कर दें, जब आप 100 कर देंगे तो एफिशिएंसी कितनी कैलकुलेट हो रही होगी 75% कैलकुलेट हो रही होगी, जो आपने कैलकुलेशन से निकाली कि 75% एफिशिएंसी का T2 कितना आ रहा है 100 आ रहा है, जबकि 50% पे T2 कितना रखा हुआ आपने 200 रखा हुआ है, ये T2 200 के बजाय कितना हो 100 यानी 100 कम हो जाए, 200 से 100 कम कर देंगे 100 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी आपकी इंजन की कितनी हो जाएगी 75% हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन जिसमें डिक्रीज करना था टेम्परेचर को, तो डिक्रीज करने के लिए आपने हायर टेम्परेचर रिजर्वायर को कांस्टेंट रखा, जबकि इससे पहले आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हायर टेम्परेचर रिजर्वायर का वो टेम्परेचर बढ़ाना है जबकि लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को आप कांस्टेंट रखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए पेज नंबर 23 पे 2003, ये होमवर्क हो गया, एक होमवर्क अभी मैंने दे दिया, इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन खुद करूंगा, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया।
एक ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया। और पेज नंबर 22 पे टू थाउजेंड एंड थ्री आपका होमवर्क हो गया। टू थाउजेंड थ्री पेज नंबर 23 पे और पेज नंबर 22 पे भी 2003 प्री मेडिकल का क्वेश्चन पहले था, तो ये भी आपका होमवर्क हो गया, ये भी आपका होमवर्क हो गया। ये दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, बाकी मैं अभी आप लोगों को अब पेज नंबर 23 पे 2001 इसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसकी सॉल्यूशन करूँगा मैं। 1997 करके दिया, अब मैं पेज नंबर 23 पे 2001 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करूँगा। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, वो आप नोटेट कर लें। देखें भाई, अब मैं आप लोगों को पेज नंबर 23 2001 ईयर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ असाइनमेंट से। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ साइकिल बिटवीन टेम्परेचर्स 227 and 127 डिग्री सेंटीग्रेड। आइडियल इंजन दो टेम्परेचर्स के बिटवीन ऑपरेट हो रही है, एक 227 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें भी 273 ऐड हो जाएगा, इसमें 273 ऐड हो जाएगा ताकि दोनों कैलविन्स में हो जाएं। हायर टेम्परेचर हो जाएगा T1 और लोअर टेम्परेचर हो जाएगा T2। 227 प्लस 273 कर ले हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 400। 273 प्लस 127 दोनों प्लस कर लें, एक हो जाएगा 500 हो जाएगा 400। 273 प्लस 127 ये हो गया ये हो गया 400। 227 प्लस 273 ये हो गया 500। T1 और T2 हो गया। वर्क डन पर साइकिल और उसके बाद क्या, एंड इट एब्जॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट और हीट एब्जॉर्ब हीट सोर्स से हीट एब्जॉर्ब होती है तो Q1 600 जूल हो जाएगा। वर्क डन पर साइकिल और एफिशिएंसी ऑफ इंजन परसेंटेज, ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, दो टेम्परेचर्स दिए गए, पहली फुर्सत में एफिशिएंसी निकाल लें इसकी। एफिशिएंसी पहली फुर्सत में निकाल लें, दो टेम्परेचर नजर आ रहा है, एफिशिएंसी इन परसेंट 1 - T2 upon T1 multiplied by 100 इन परसेंट 1 - T2 हो जाएगा आपका 400, T1 हो जाएगा आपका 500। 400 डिवाइड बाय 5 कर लें, वन माइनस जीरो पॉइंट टू एफिशिएंसी इन परसेंट 20% हो जाएगी। ये आपने एफिशिएंसी निकाल दी और वर्क डन पर साइकिल निकालना है। तो वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वर्क डन डेल्टा W, वर्क डन आउटपुट अपॉन इनपुट, एफिशिएंसी इन परसेंट आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। एब्जॉर्ब हीट आपको गिवन है, एफिशिएंसी आप निकाल चुके हैं, एफिशिएंसी की जगह आपने रख लिया 20 मल्टीप्लाई 100, नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड 100। वर्क डन आपने फाइंड आउट करना है और Q1 एब्जॉर्ब हीट 600 है, तो ये जाएगा 0.2 डेल्टा W अपॉन 600 और ये मल्टीप्लाई वाला 600 उधर आके, सॉरी डिवाइड वाला 600 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा W 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 600 में खाली 120 जूल हो जाएगा। 120 ये आपने वर्क डन निकाल दिया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 2007 पेज नंबर 22 दिस वन पेज नंबर 22 2007 इसकी सॉल्यूशन करते हैं।
पेज नंबर 22 2007 इज द ब्रदर्स क्वेश्चन है व्हाट अ हीट इंजन परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 500 किलोवाट हीट इंजन परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 500 किलोवाट ये 500 किलोवाट पावर ऑफ इंजन दी हुई है 500 किलोवाट और किलोवाट पावर की यूनिट ऐसा ही वॉट होती है तो किलोवाट को वॉट में करने के लिए 500 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होगा तो ये पावर वॉट्स में होगा तो ये 5 एक्सपोनेंशियल 5 हो जाएगा पावर 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 5 × 10^5 ये पावर होगी द इफिशियंसी ऑफ इंजन इज 30% कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आर इफिशियंसी ऑफ इंजन है 30% और आपसे कह रहे हैं कि हीट लॉस पर आर टाइम हो गया 1 आवर 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड 3600 सेकेंड हर घंटे में कितनी हीट लॉस हो रही है हीट लॉस को हम Q2 कहते हैं हर एक घंटे में इंजन कितनी हीट लॉस करेगा कितनी हीट ज़ाया करेगा वो बताइए अगर इंजन की पावर ये है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप पहले पावर के फॉर्मूले की मदद से आप एक घंटे का वर्क डन निकाल लेंगे इंजन वर्क कितना कर रहा है आउटपुट कितना दे रहा है और डेल्टा डब्ल्यू यूजफुल वर्क डन और पावर का फॉर्मूला अगर आप लिखें तो पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम तो यहाँ से आप पावर की मदद से इंजन की आप वर्क डन निकाल लेंगे डेल्टा डब्ल्यू निकाल लेंगे ये देखिए डेल्टा डब्ल्यू सेपरेट कर लीजिए पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम कर लीजिए पावर रख लेंगे आप 5 × 5 और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप 3600 से तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा वर्क डन 3600 मल्टीप्लाई बाय 5 × 5 कर लें तो यहां से आप वर्क डन निकाल लेंगे जूल्स में यहाँ पे वर्क डन आ गया जो भी कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से आपको वर्क डन मिल जाएगा अब एफिशिएंसी गिवन है 30% और हीट लॉस मालूम करना है तो आप पहले एफिशिएंसी और वर्क डन की मदद से Q1 निकाल लेंगे इनपुट क्या दे रहे हैं आप और Q1 यानी इनपुट कितनी हीट आप दे रहे हैं एफिशिएंसी इन परसेंटेजेस का फॉर्मूला एफिशिएंसी इन परसेंट आउटपुट अपॉन इनपुट और मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं आप 100 आउटपुट अपॉन इनपुट और इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं आप 100 से आउटपुट आपने यहां से कैलकुलेट किया हुआ एफिशिएंसी 30% मल्टीप्लाई 100 नीचे आके डिवाइड डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 तो Q1 निकालने के लिए आपका जो भी डेल्टा डब्ल्यू यहाँ से आएगा आप उसको ऊपर रखेंगे और 30/100 क्या हो जाएगा 0.3 वो नीचे ले आएंगे यहाँ से Q1 मिल जाएगा आपको एक घंटे में कितना वर्क डन हुआ ये पता चल गया अगर 30% एफिशिएंसी एक घंटे का वर्क डन रख करके एक घंटे तक कितनी हीट दी वो मालूम कर लिया आप हीट लॉस पर आर निकालना है ना हीट लॉस हीट लॉस निकालना तो हीट लॉस को हम किससे दिखाते हैं Q2 से तो हीट लॉस यानी Q2 निकालने के तरीका ये होगा कि Q1 में से हम डेल्टा W को यानी वर्क डन को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे यानी इनपुट आपका Q1 और आउटपुट आपका क्या वर्क डन Q1 में से वर्क डन यानी डेल्टा W को आप माइनस कर देंगे तो आपको Q2 यानी हीट लॉस पर आर क्या होगी वो पता चल जाएगी तो इसकी कैलकुलेशन कर लें पहले आप यहां से पावर के फॉर्मूले की मदद से वर्क डन निकाल लें जो आपका आउटपुट कहलाता है एफिशिएंसी के फॉर्मूले से आउटपुट अपॉन इनपुट की मदद से इनपुट यानी Q1 निकाल लें कितनी हीट दी जब आप हीट कितनी दे रहे हैं ये पता लगा लेंगे वर्क डन कितना हो रहा है ये पता लगा लेंगे तो आपकी हीट जितनी है उसमें से जितना वर्क डन हो गया उसको माइनस कर देंगे तो हीट लॉस बराबर आ जाएगी तो ये आपको मैंने
होमवर्क के तौर पे छोड़ दिया कि आप इसको कंप्लीट कर लें और कंप्लीट करके इसका आंसर चेक कर लें कि क्या आंसर इसका आपकी जो असाइनमेंट में है उससे मैच कर रहा है या नहीं। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक होमवर्क हो गया। और पेज नंबर 24 पे 1999 ये क्वेश्चन भी आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ। दो टेम्परेचर्स गिवन है, पेज नंबर 24 1999 ये भी होमवर्क है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 18 2002। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मैं इसमें एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं वाला क्वेश्चन पढ़ कराऊंगा न्यूमेरिकल, और उसके बाद हम फिर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जो होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है वो आप देख लें। पेज नंबर 24 पे 1999 होमवर्क दिया, पेज नंबर 23 पे 2003 होमवर्क दिया है, पेज नंबर 22 पे भी 2003 एंड 2004 ये दोनों ही होमवर्क हैं, कर लें आप लोग। दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, 2003 एंड 2004 ये दोनों आपका होमवर्क हो गया। तो 1 2 3 4 ये चार क्वेश्चंस आपके जो हैं वो होमवर्क हो गए, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 24 2007 ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। इसमें जो इनकम्प्लीशन रह गई कैलकुलेशन की, आप लोग कर लीजिएगा, अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। अच्छे खासे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिए ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे हो जाएं। बाकी एक क्वेश्चन पेज नंबर 18 पे 2002 ये रहता है, ये खुद मैं सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और स्टूडेंट्स कुछ कोशिश करें जिनसे हो जाए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, वेरी एंड गुड हो जाएगा। जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें खुद से बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अगर ये क्वेश्चन खुद से अगर किसी ने सॉल्व कर लिया तो आप ये खुद से सॉल्व करके भेज देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बाकी जो है क्वेश्चन जो हैं मैं खुद वरना ये करवा दूंगा, आप उससे मैच कर लीजिएगा सही किया या नहीं, वरना मेरी जिम्मेदारी है ये। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, ऑलमोस्ट जो है वो वाइंड अप हो रहे हैं टॉपिक। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स और एंट्रोपी रह गया है, दो टॉपिक और उसके न्यूमेरिकल्स हैं।